हेलो एवरीवन, मी गुरपाल सिंह फ्रॉम सुपीरियर माइंड एकेडमी। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। कितने के चांसेस हैं बाहर निकलने के और सबका टोटल आउटकम्स कितने हैं मटीरियल उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे एक आपको क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द बॉक्स कंटेनिंग 5 मार्बल्स रेड कलर, 5 हमारे पास रेड कलर के हैं, 8 इज व्हाइट कलर, हमारे पास 8 व्हाइट कलर के हैं, एंड द 4 मार्बल इज ऑफ ग्रीन कलर, तो हमारे पास 4 है वो ग्रीन कलर के हैं। तो हमें एक मार्बल आउट करना है बॉक्स में से रैंडमली, बिना देखे बिना कोई सोचे बस एक बॉक्स में से मार्बल बाहर निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो टोटल हमें देखना है, तो यहां पे हम लिख देंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल के लिए हमें क्या करना है, 5 प्लस 8 प्लस 4 इट विल बिकम टोटल 17 मार्बल्स हो गए, ठीक है। अब हमें मार्बल्स निकालना है, उन्होंने बोला था रेड के लिए कितने चांसेस हैं, रेड को देखना कितने चांसेस हैं व्हाइट के ऊपर देन ग्रीन के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास रेड के पास चांसेस कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 5 है, और टोटल कितनी है हमारे पास, 17 है। हमारे पास 5 आउटकम्स वो हैं, टोटल 17 है, तो ये हमारे पास रेड के लिए आ गई। व्हाइट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस आपको ये पूरा फॉर्मूला लिखना है, मैं पूरा फॉर्मूला यहां पे नहीं लिख रहा, जस्ट आंसर दिखा रहा हूं, तो आपको जस्ट उसका कैलकुलेट करके बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको वही पूरा फॉर्मूला ये बार बार लिखना पड़ेगा। तो व्हाइट के लिए कितने हैं, टोटल ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे लिए, 8, और टोटल मार्बल्स कितने हैं, 17, ये व्हाइट के लिए हो गया, ठीक है। फिर ग्रीन के लिए पूछा उसने, ग्रीन के लिए भी क्या करना है आपको, ये बताना है कि टोटल मार्बल्स कितने थे ग्रीन, 4, और कितने में से निकालना है, 7, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी 5/17, व्हाइट कलर की 8/17, ग्रीन कलर की 4/17। तो अब हमें ये देखना है Not getting green marble, तो हमें green marble तो चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया कि उसमें से हमें not green color का marble आएगा। अगर not green के लिए हमें क्या करना है, 1-P of green color, ये green color की जो probability होगी उसमें से 1-minus कर देना है, तो कैसे होगा, 1-4/17, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 17 यहां पे ये आपका आएगा 17-4/17, एलसीएम ले लिया, उसके बाद हमारे पास आएगा 13/17, तो ये हमारे पास नॉट ग्रीन कलर की होगी, ये हमारे पास व्हाइट कलर का होगा, और ये हमारे पास रेड कलर की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन बी मैसेज एंड कमेंट इन अ डाउन, राइट। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप मैसेज या कोई भी कमेंट सेक्शन में जाके डाउट क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स।